हे गाइस, क्या हालचाल। रियलमी फ़ोन के अंदर हमें रियलमी लैब देखने को मिल जाता है, जिस पर कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स रियलमी ऐड करते हैं, जैसे कि स्मूथ स्क्रॉलिंग वगैरह। ये काफी पहले ऐड किया था, लेकिन रियलमी यूआई 2.0 के अंदर आपको एक एक्सक्लूसिव नया फीचर देखने को मिल जाता है, स्लीप कैप्सूल नाम का। तो इस फीचर का काम क्या है, कैसे आप इसको यूज में ले सकते हो, इन सारे बात हम वीडियो पर करेंगे। अगर आप इस फीचर को डेली यूज करना शुरू करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्या बेनिफिट है वो मैं वीडियो पर डिटेल में बात करूंगा। वीडियो को लाइक के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा बात हम नहीं करेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल हम सभी का एक बुरे आदत बन चुका है रात में फ़ोन यूज़ करना। मतलब आप जब रात में फ़ोन यूज़ करते हो तो इससे आपका जो स्लीप साइकिल है उसको दिक्कत आते है, यानी आपके हेल्थ पर असर पड़ता है। तो आप इस फीचर को यूज़ करके आपके इस बुरे आदत को कम्प्लीटली छोड़ सकते हो। स्लीप कैप्सूल में दोस्तों आपको ऐप अलाउ लिस्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इधर से आप कुछ इमरजेंसी ऐप सिलेक्ट करना है। इमरजेंसी का मतलब फ़ोन कॉल हो गया, मैसेज हो गया, जिसको आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, आप उसको इधर से ऑफ करके ये जो स्लीप कैप्सूल इसको ऑन कर देना। इससे क्या होगा, आप ये जो ऐप सिलेक्ट किया है सिर्फ उनको ही यूज कर पाएंगे इस स्लीप कैप्सूल के अंदर। बाकी जितने भी ऐप्स है, आप चाहे जो भी कर लो, फोन को रीस्टार्ट मार लो या फिर जो भी कर लो, आप उन सारे ऐप्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे। और स्लीप कैप्सूल सिर्फ 3 घंटे के लिए इनेबल रहेगा, यानी 3 घंटे के अंदर आप और किसी ऐप्स यूज नहीं कर पाओगे। तो इससे आपका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऐसे ऐप एलो लिस्ट करके स्लीप कैप्सूल को ऑन करोगे तो आप चाहते हुए भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज नहीं कर पाएंगे रात के टाइम में, और आपके पास सोने के वजह कुछ काम भी नहीं होगा और आप चुपचाप सो भी जाओगे। इससे क्या होगा, आपका जो स्लीप साइकिल है वो भी मेंटेन रहेगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इसको हम और एक काम में भी ले सकते हैं। मान लो आप दिन में कोई इंपॉर्टेंट टास्क है आपका, तो आप क्या करोगे, फोन को ऐसे ही छोड़ दोगे और अपना काम करोगे। तभी आपके फोन पर किसी का मैसेज आ जाएगा या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, देन आप फोन उठा के फिर से यूज करना शुरू कर दोगे। इससे क्या होगा, आपका जो इंपॉर्टेंट काम है वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। तो आप चाहे तो इस फीचर को ऑन करके अपना किसी भी अगर काम हो 2-3 घंटे के अंदर जो आपको करना है तो आप कर सकते हो। स्लीप कैप्सूल को इनेबल करना काफ़ी आसान है दोस्तों। आपको सेटिंग से जाना है रियलमी लैब के अंदर, देन स्लीप कैप्सूल, और इधर आपको एक प्लस आइकॉन देखने को मिलेगा, आपको इस पर टैप करना है। देन इधर से आप टाइम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रात में सोने के लिए इस फीचर को यूज़ करेंगे तो आपको इधर टाइम सिलेक्ट करना है, जब भी आप डेली सोने जाते हो उसका 1 घंटे पहले, ठीक है, मिनिमम 1 घंटा पहले आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यूजुअली 12:30 सोने जाता हूँ, इसलिए मैं अभी सिलेक्ट करूँगा 11। और इधर एक बाग आप लोग कह सकते हो, ये जो टाइम है वो 24 आवर फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, इधर 12 आवर नहीं है। तो मैं 23 सिलेक्ट करूँगा, यानी 11 आपको पता होगा। देन नीचे आपको ड्यूरेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ओ, मैंने पहले बताया था आप इसको 3 घंटे के लिए ऑन कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप अपने मर्जी से इधर टाइम सेट भी कर सकते हो। मिनिमम 1 घंटे से मैक्सिमम 6 घंटे तक इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप इधर यूजुअली 2 से 3 घंटा सिलेक्ट कर सकते हो, मैं 3 घंटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन रिपीट, इधर आप चाहते तो डेली भी रिपीट कर सकते हो, एवरी संडे, एवरी मंडे, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो, या फिर आप अगर एक दिन के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी सेट कर सकते हो। तो मैं जैसे कि इसको डेली यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं इन सारे पर टिक कर देता हूँ। देन नीचे आपको रेस्ट्रिक्ट मोडिफिकेशन 1 आवर बिफोर डाउन टाइम, ठीक है, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। और ये एवरी डे के लिए ऑन हो गया। अभी मैं जैसे टाइम सिलेक्ट किया 11, तो रात में जब 11 बजेगा ये स्लीप कैप्सूल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अभी अगर आप दिन के किसी टाइम में ऐड करना चाहते हो, यानी आप इंपॉर्टेंट किसी काम है आपका और आप उस टाइम ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इधर से किसी भी एक टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी 11:52 है, अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए 11:55 टाइम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जितनी भी सेटिंग है इसको मैंने पहले बताया आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, तो मैं ऐसे इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। देन सेव, ऑन हो गया दोस्तों। अभी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जब तक 11:55 नहीं बज जाता। ओके दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो हमारा जो स्लीप कैप्सूल टाइम है वो स्टार्ट हो गया है, और अभी लिखा है डाउन टाइम विल एंड एट 14:55, यानी जो टाइम मैंने सिलेक्ट किया है उससे 3 घंटे के बाद जाके ये जो डाउन टाइम है वो खत्म होगा। तो आप इधर से जो ये ऐप एलो लिस्ट है इस पर क्लिक करते हो तो जो जो ऐप आपने एलो किया था उन सारे ऐप्स आपको इधर देखने को मिलेगा। तो इधर से बेसिकली आपको जो ऐप यूज करना है इमरजेंसी टाइम में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इन सारे ऐप्स के बिना आपके फोन पर और भी जितने ऐप्स है किसी भी तरह आप उनको एक्सेस अभी नहीं कर सकते हो, चाहे आप फोन को रीस्टार्ट ही क्यों ना कर लो। तो अभी मैं करता हूँ इसको रीस्टार्ट, आपके सामने ही देखते हैं ये जो स्लीप कैप्सूल है ऑफ होता है कि ऐसे ही रहते हैं।
फोन रिस्टार्ट होने के बाद कुछ ही टाइम के लिए आपका जो स्लीप कैप्सूल है वो डिसेबल हो जाएगा, लेकिन एक दो मिनट के अंदर अंदर फिर से वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। वो भी मैं अभी आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा दूंगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बोलते बोलते ये जो कि स्टार्ट हो गया फिर से, तो कुछ इस तरह से आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। आपको ऐसे लॉक स्क्रीन का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन जब भी आप इसको अनलॉक करते हो तभी आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड एप्स का ही एक्सेस देखने को मिल जाएगा। आज तक इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @nt_porter, आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली जाके भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलता हूं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।